पेड़ के बाजू में पूरा घर वगैरह है। तो हम चलते हैं दोस्तों अंदर के साइड में, उधर आगे से ब्रिज है एक छोटा सा, नाले के ऊपर से क्रॉस करके जाना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो फाइनली दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी दोस्तों हम फिर से आ गए हैं धरावी में। लेकिन दोस्तों जो ये वीडियो होगा इसमें आज हम घूमने वाले हैं पूरे धरावी को। और धरावी में हम घूमते हुए दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का रूम रेंट वगैरह कितना होता है। और आज हम पूरा दिन धरावी में ही एक्सपेंड करने वाले हैं और खोजेंगे रूम को और इंक्वायरी भी करेंगे कि रूम का रेंट कितना होता है, यहाँ पे डिपॉजिट कितना दिया जाता है। यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है भाई रूम लेने में वो होता है यहाँ पे डिपॉजिट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों हम चलते हैं धरावी के अंदर। और वैसे यहाँ पे तो फिलहाल दोस्तों धरावी में रूम खोजना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो धरावी का एरिया आता है ना वो मेन वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे के बीच में आता है। और दोस्तों ये सबसे पॉश इलाके में भी आता है। बेशक दोस्तों यहाँ पे गरीबी रहते हैं और, लेकिन मैं दोस्तों पूरा प्रयास करूँगा कि मुझे यहाँ पे रूम मिल जाए। और दोस्तों एक बात और है ना, यहाँ पे मेहा का जो सबसे महंगा एरिया बोले दोस्तों, जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं, बीकेसी भी दोस्तों यहाँ से पास में पड़ता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे रूम खोजना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे और शाम तक एक रूम खोजेंगे। दोस्तों हम नीचे की तरफ जा रहे हैं रूम खोजने के लिए स्पेशली दोस्तों। और आज हम यहाँ पे चारों तरफ बोले तो दोस्तों चारों तरफ हम यहाँ पे रूम खोजेंगे स्पेशली दोस्तों। हम रूम इसलिए खोजेंगे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि धरावी दोस्तों रहने के लिए कितना महंगा है। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत महंगा है। और एक एक रूम में दोस्तों सात सात आठ आठ लोग सोते हैं, महंगा है दोस्तों इस वजह से। और बाकी जो गरीब रहते हैं खैर उनकी बात ही मत करिए, ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे गरीब ही रहते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम इस गली में आए हैं और रूम रेंट का पता करते हैं। अभी हमारी एक भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको अपना रूम दिखा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आपको वो रूम दिखाते हैं और उसका रेंट वगैरह बताते हैं। उन्होंने 4000 रुपये मुझे रूम का रेंट बताया, करीबन दोस्तों 20000 रुपये डिपॉजिट बताया है। और रूम देखने के बाद दोस्तों आप भी कहेंगे यार ऐसे रूम का 20000 डिपॉजिट और 4000 रुपये किराया कौन देगा, जिसमें पानी का भी इंतजाम नहीं है। पानी वगैरह की हमें सारी चीज़ें बाहर से करनी पड़ेगी और रूम का रेंट भी 4000 रुपये। भाई यार यहाँ पे रूम ने रहना इतना आसान नहीं है, धरावी में इतना महंगा रूम है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक एक रूम में आठ आठ लोग रहते हैं। अभी एक रूम के बारे में और बता रहा था, बोला कि उस रूम में 8000 रुपये किराया है और 7 से 8 लोग उसमें रह सकते हैं और उसका डिपॉजिट 40000 रुपये बताया। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का रूम था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ये दोस्तों 4000 का रूम है। तो फाइनली आप एक बार देख लें, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं किसी दूसरी तरफ, किसी दूसरी गली में और भी पता करते हैं हम, क्योंकि धरावी दोस्तों 2 किलोमीटर है। अभी हम माहिम के एरिए से शुरुआत किए हुए हैं, अभी हमें काफ़ी आगे तक जाना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है और ये जो ड्रैगन फ्रूट है अभी इसको काट रहे हैं। काटने के बाद दोस्तों इसके ऊपर वो रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जो इसका रस होता है दोस्तों वो चारों तरफ से इस पर चिपक जाता है। और चिपकने के बाद और उसके बाद दोस्तों फिर वो इसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हो गया दोस्तों, एप्पल वगैरह हो गया और भी ऑरेंज वगैरह हो गया। तो इसके ऊपर से वो इसी तरह से रगड़ते हैं और जो उसका रस होता है और गुज्जा होता है दोस्तों वो इस पर चिपक जाता है। और एक बंदा इसको कंटिन्यू रोटेट कर रहा है और इसके अंदर जो है ना दोस्तों वो बर्फ़ भरी जाती है। तो ये होता क्या है कि देखिए अभी इस तरह से ये यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रूट, इस तरह से दोस्तों ये सटा देंगे और अभी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा उसमें चिपक जाएगा। तो जब ये दोस्तों चिपक जाता है तो उसके बाद फाइनली दोस्तों ये एक लेयर टाइप की बन जाती है और बाद में ये इसी को काट काट के निकालते हैं। ये देखिए अभी ये सेब है, अभी सेब को भी दोस्तों उसी तरह से ये चिपकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तो इस तरह से दोस्तों पूरा सेब चिपकाते हैं और
ये ना जो इसका रस गुज्जा है ना दोस्तों अभी निकल जाएगा, अभी देखना ये पूरा छिलका बचेगा, ऊपर का जो छिलका होता है तो वो छिलका बचता है, ये देखिए इस तरह से दोस्तों छिलका वगैरह बचता है। तो फाइनली दोस्तों अभी ये देख सकते हैं दोस्तों संतरे का रस है ये, इसके ऊपर दोस्तों जैसे डालते जाएंगे ना वो सारा का सारा तुरंत के तुरंत दोस्तों बर्फ बनता जाता है, मतलब बोलिए दोस्तों वो जम जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से ये सारी अभी तैयार हो गई, देखिए अभी इस तरह से आइसक्रीम निकालते हैं इसके अंदर से, इस तरह से दोस्तों आइसक्रीम निकालते हैं। और ये जो अभी आइसक्रीम ये भर रहे हैं ये मात्र और मात्र 10 रुपये का है, और दोस्तों ये आइसक्रीम वाकई काफ़ी टेस्टी है, मैंने तो ऑलरेडी टेस्ट किया, लेकिन आप भी चाहे कभी इधर आते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। तो धरावी में दोस्तों रूम खोजते खोजते मुझे इस तरह का आइसक्रीम दिखा, तो मैंने कहा कि आपको दिखा देता हूँ और खा भी लेता हूँ, वाकई यार टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। उसको कहते हैं फ्रूट रोलिंग आइसक्रीम, जो कि दोस्तों उस पर फ्रूट वगैरह जितना होता है रगड़ के उसका जो रस वगैरह होता है, जो उसका गुज्जा वगैरह होता है उसमें पूरी तरीके से चिपक जाता है, और बाद में वो आइसक्रीम काट के देते हैं ना भाई, गजब का स्वादिष्ट था यार, मुझे तो वाकई काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन धरावी में आप आते हैं तो मैं अभी माहिम की तरफ से 90 फीट रोड की तरफ जा रहा हूँ, और इस तरह के रास्तों से होते हुए तो बीच में वो चीज़ मिली थी, बाकी देख लीजिए ना मेरी जगह का नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि उस जगह को क्या कहते हैं, लेकिन मैं अभी फाइनली चलने वाला हूँ दोस्तों 90 फीट रोड की तरफ, वैसे धरावी की। तो इधर माहिम की तरफ का रूम तो मैंने आपको दिखाया है भाई, इतना छोटा रूम भाई, 4,000-20,000 रुपये डिपॉजिट, और रूम में कोई सुविधा नहीं थी भाई, न तो पानी की सुविधा थी, न तो बाथरूम की सुविधा थी, किसी भी तरह की सुविधाएँ नहीं थी, और किराया 4,000 भाई, उसमें 2 आदमी भी सही से नहीं सो पाएंगे, हम तो हमें देख रहे हैं ना कितना पतला दुबला आदमी हूँ, तो भी मैं उसके अंदर सही से नहीं सो पाता। और फाइनली दोस्तों अभी मैं 90 फीट रोड की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पे सजता हूँ मैं दोस्तों रूम वगैरह खोजता हूँ, बाकी तो यहाँ का भीड़ भाड़ आप देख ही रहे होंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक दिखाएगी भाई। फाइनली दोस्तों इस एरिया में मैं करीबन आधे एक घंटे से घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे ज़्यादातर जो कुम्हार का काम होता है वो, ये दोस्तों जैसे मटका वगैरह बन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। जो अभी मैंने आपको रूम दिखाया उसका किराया दोस्तों 6,500 रुपये था, बस उसमें एक प्लस पॉइंट था कि उसमें बाथरूम था, बाकी आप रूम देख ही सकते हैं कितना छोटा सा रूम था, उसमें मुश्किल से दोस्तों 2 लोगों के लिए ठीक है, 2 लोग रह सकते हैं आराम से, लेकिन उसमें से 3 से 4 नहीं हो पाएंगे। तो वो रूम का दोस्तों भाड़ा करीबन 6,500 के आसपास था, और जो मैं आपको बताया कि हाँ उसका डिपॉजिट करीबन 30,000 रुपये था। इस तरह से दोस्तों मैं काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, अगर बाथरूम नहीं होता उसमें तो उसका भाड़ा वो बता रही थी 5,000 रुपये होता, छोटा सा किचन भी था, मतलब प्लेटफार्म था, किचन क्या था कह सकते हैं उसको, उसी रूम में सब सारी चीज़ें थी। इस तरह से दोस्तों धरावी में रूम मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाया अभी, उधर भी दिखा रहा था, उधर के साइड में भी, उधर का रूम दोस्तों पर्सनली मैं कहना चाहूँगा मुझे तो वाकई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, वहाँ पे बहुत गंदगी था। किधर के साइड जो माहिम की तरफ मैंने आपको रूम वगैरह दिखाया था, और 4,000-4,500 किराया भी था, वो भी इतना छोटा रूम, उसमें कोई फैसिलिटी वगैरह भी नहीं थी, तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा और आप ये कुम्हार की चाल की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर कुम्हार लोग रहते हैं, बेसिकली उनका जो पेशेवर काम करते हैं घड़ा वगैरह बनाना, और भी जो दोस्तों मिट्टी के आइटम्स बनते हैं वो सारी चीज़ें बेसिकली इस एरिया में बनाई जाती है। और इस एरिया में दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से पता कर रहा था कि रूम वगैरह के बारे में, तो अमूमन जहाँ तक मैं घूम के देखा जानने की कोशिश किया तो रूम दोस्तों 3,500 से स्टार्ट हो जाता है, और करीबन इसी चार्ज में दोस्तों जो ये दिखा रहा हूँ, ये जो गलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे भी दोस्तों 15,000 रुपये रूम का किराया रहता है, और इस तरह से पूरा गली वगैरह भी रहती है। बाकी अगर दोस्तों इस तरह से बिल्डिंग में लेना पड़ेगा, ये भी चार्ज का ही एरिया है, ये पूरा बगल में दोस्तों चार्ज है, अगर मैं ऊपर से दिखाता तो शायद आपको अच्छे से दिख सकता था, लेकिन ये भी चार्ज है दोस्तों, इसमें अगर आप लेने जाएंगे 14,000-15,000 रुपये, और डिपॉजिट बोल रहे थे 1.5-2 लाख रुपए डिपॉजिट लिया जाते हैं, और हैवी डिपॉजिट वगैरह पे भी रूम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़, शादी वगैरह का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा है, अभी मैं जिधर भी जा रहा हूँ जिस गली में भी घुस रहा हूँ तो शादी शादी दिखाई दे रहा है, मैं उतना अच्छे से घूम नहीं पा रहा हूँ।
तो धरावी के रूम का दोस्तों कुछ ऐसा सीन है, और भी चलते हैं अंदर, अभी और घूमेंगे, और भी आपको दिखाएंगे, और भी जानने की कोशिश करेंगे चीज़ों के बारे में। अभी मैं घूमते घूमते दोस्तों रोड पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं फिर से मैं वापस से 90 फीट रोड पे आ गया हूँ। और जो मैं अभी आपको दिखाया था कि मिट्टी वगैरह का काम होता है इधर, वो सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। मैं सामने की तरफ दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से दोस्तों मिट्टी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बेची जा रही हैं इस तरह से। और ये सारी चीज़ें दोस्तों अंदर बनाई जाती है। तो अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा था कुछ लोगों से कि ये लोग कितना कमा लेते हैं, तो बोला भाई कि ये जो जो पेंटिंग करते हैं, मतलब जो मिट्टी का बर्तन बन के आता है दोस्तों, उस पर रेड कलर का पेंटिंग वगैरह होता है, तो बोला भाई 20,000-22,000 रुपये जो कमा लेता है पेंटिंग करके। और घर का हर एक शख्स काम करता है, बोले दोस्तों लेडी हो या जेंट्स हो, सभी लोग मिल के काम करते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। और मैं पूछा ये मतलब माल वगैरह इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, बाहर बाहर कंट्रियों में दोस्तों यहाँ से आइटम जाते हैं, वैसे धरावी से तो काफ़ी कुछ ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, धरावी में रूम लेना ना बहुत ही महंगा है। फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको रूम दिखाया स्टेशन के बाजू में, माहिम स्टेशन के दोस्तों जस्ट बगल में, और मेन धरावी के सेंटर में बोले तो दोस्तों वो कुम्हार चाल में, मतलब जहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर कुम्हार वगैरह काम करते थे। अभी जो मैं रूम आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये नाले के किनारे, इसका क्या रूम रेंट वगैरह होता है, चलिए दोस्तों हम फाइनली पता करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से कुछ है, ये गटर के पास पास में दोस्तों पूरा पेड़ वगैरह भी है, और जस्ट उसके पेड़ के बाजू में पूरा घर वगैरह है। तो हम चलते हैं दोस्तों अंदर के साइड में, उधर आगे से ब्रिज है एक छोटा सा, नाले के ऊपर से क्रॉस करके जाना होगा, हम चल के और आपको दिखाते हैं सारे रूम वगैरह। तो वो पीछे की साइड में देख रहे हैं ना, उधर ही दोस्तों ब्रिज है, ब्रिज बोले तो वो फुट ब्रिज है, मतलब क्रॉस करके, नाला क्रॉस करके हम इधर के एरिया में घुस जाएंगे। ये पूरा एरिया आप देख रहे होंगे, उधर पीछे की साइड बिल्डिंग वगैरह भी दिख रही है, लेकिन फाइनली हम चलते हैं अंदर की तरफ और पता करते हैं इधर भी रूम वगैरह का भाड़ा क्या है, क्योंकि एकदम देख रहे हैं नाले के किनारे हैं और किस इधर किनारे से एकदम रास्ता गया है, देखते हैं अगर किसी के घर में जाने का मौका मिलता है वो भी दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे एक ग्रॉसरी शॉप है, ये जस्ट सामने नाला है और इधर पीछे दोस्तों ग्रॉसरी शॉप है, और हम चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, पता करते हैं कि यहाँ रूम वगैरह हमें मिल जाता है कि नहीं, मतलब रेंट पता करेंगे। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं रूम पता कर रहा था, एक चाचा से पूछ रहा था कि इधर रूम वगैरह मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा रूम तो मिल जाएगा लेकिन ये अंडर नोटिस है। जैसा कि आपको पता हो अडानी सर ने अभी यहाँ का प्रोजेक्ट वगैरह लिया है इस जगह को तोड़ के बनाने का, लेकिन दोस्तों अभी मैं वो बता रहे थे कि ये शायद प्रोजेक्ट टूटने वाला है ये सारा एरिया, अब कब तक टूटेगा कोई आइडिया नहीं, तो उन्होंने कहा आप इधर रूम ना ले तो बेटर रहेगा। और लेकिन रूम का रेंट जो उन्होंने बताया कि 5,000 से 6,000 रुपये, मतलब वही वाला रेट दोस्तों इधर भी है, अगर थोड़ा सा सुविधा अच्छा होगा तो रेंट जाहिर सी है बढ़ जाएगा, बाकी यार यहाँ पर दिक्कत तो खैर रहती है रहने के लिए। ये है नाला और ये है दोस्तों पूरी गली, इसी तरह से दोस्तों गली आगे तक चली गई है इस एरिया में, इस एरिया में ये सब जो रूम वगैरह है 5,000 रुपये तक का है। देखना दोस्तों कुछ इस तरह से जो सीन्स हैं जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, बगल में पूरा एकदम नाला है और ये सारा दोस्तों एरिया धरावी के ही एरिया में आता है, उसी के आसपास के रेंज का एरिया है। भाई रूम का रेंट सुन रहे हो ना 5,000 से 6,000, लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे कोई दिखाया नहीं तो मैं किसी के घर में अभी यहाँ पे जाने वाला भी नहीं हूँ। गलियाँ भी दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से पतली पतली हैं, लेकिन ठीक है, वो जो गोरेगांव की गलियाँ आपने देखी थी उससे थोड़ा बेटर है, चला जा सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा आदमी होगा तो इधर से टक्क से जल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इतने लंबे चौड़े पैदा भी कहाँ होते, बहुत ही कम हो चुके हैं, मतलब अब उस तरह से दोस्तों नहीं रह गया है कि लंबाई वो अच्छी खासी। तो इसी तरह से दोस्तों हम चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए सोचिए, मैं बता रहा हूँ जब दिल्ली में मैं रहता था दोस्तों, दिल्ली में मैं रहा हूँ, वहाँ पर जॉब वगैरह किया हूँ, वहाँ पर रूम की इस तरह से दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर वाकई काफ़ी, मतलब मिल जाता है आसानी से रूम मिल जाता है, लेकिन सुविधाओं बहुत ही दिक्कत से मिलती हैं दोस्तों, पानी का बहुत समस्या, और पानी चलो ठीक है, वाशरूम का भी काफ़ी समस्या यहाँ पे रहता है, इस तरह से कुछ यहाँ की दिक्कत है। तो इस तरह से पूरा सीन था,
जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना।